हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि HPSC यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या देने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। होम पेज पे ही एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 24/2022 फूड सेफ्टी ऑफिसर ग्रुप बी इन फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा से आउट की गई है। 7 सितंबर से आप यहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो 7 सितंबर से ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। डाउनलोड करके देख लेते हैं क्या डिटेल्स इसमें मांगी गई हैं। वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि ये वैकेंसी परमानेंट पोजीशंस के लिए है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर 24/2022 है। पोस्ट की अगर बात करें तो ये सेफ्टी ऑफिसर ग्रुप बी के लिए वैकेंसी है, जो कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हरियाणा से आउट की गई है। 7 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर के बीच में आप HPSC की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप की अगर बात करें तो जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 26 है, एससी हरियाणा के लिए 8 है, बीसीए के लिए 4 है, बीसीबी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। टोटल 41 वैकेंसी है, जिसमें से आपके एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी एंड पीडब्ल्यूडी डीफ एंड हेयरिंग, यानी कि यहाँ पर 2 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के लिए है, 1 आपके एक्स सर्विसमैन के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है पोर्ट टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, या बायोटेक्नोलॉजी में, या ऑयल टेक्नोलॉजी में, या एग्रीकल्चर साइंस में, या वेटरनरी साइंस में, या बायोकेमिस्ट्री में, या माइक्रोबायोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में है या मेडिसिन में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी संस्कृत का अलग नॉलेज अप टू मैट्रिक लेवल पर होना चाहिए। एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट को 1 ईयर के प्रोबेशन पीरियड से भी यहाँ पर गुजरना होगा। स्केल पे की बात करें तो 9,300 से लेकर 14,800 ग्रेड पे 4,200 है। एंड एज लिमिट में यहाँ पर मैक्सिमम 21 से लेकर के 42 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन हरियाणा गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से ही यहाँ पर फॉलो हो रहा है। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। यहाँ पर मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी अदर स्टेट के लिए भी 1,000 रुपीज फीस रखी गई है। फीमेल कैटेगरी जनरल कैटेगरी से एंड ESM हरियाणा से एंड अदर स्टेट से जो फीमेल हैं उनके लिए 250 फीस रखी गई है। मेल एंड फीमेल SC BCA BCB के लिए 250 है, EWS के लिए भी 250 है, हरियाणा के लिए उन्हें लागू है। एंड जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए किसी तरह की फीस नहीं ली जा रही है। तो फ्रेंड्स, 7 सितंबर से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा HPSC की वेबसाइट पर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।